तुम्हारा इस गांव के लिए काम करने का सच में मन है ना? क्यों, विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है, तभी तो तुम्हारे साथ घूम फिर रही हो, इधर उधर जा रही हो। फिर क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम लोगों ने इतने दिनों से इसके बारे में क्यों नहीं सोचा था? सोचने के लिए मेरे पास कोई सुविधा ही नहीं थी। और आप? अब ये सुविधा मेरे हाथ में आई है। आप आई हो, आप हमारी समस्या को समझकर समाधान करना चाहती हो। मास्टर जी भी आपके साथ है, ये सब मेरी सुविधा नहीं है। आपको तो पता ही है, गांव के लोग अगर सहायता नहीं करेंगे तो गांव के लिए हम काम ही नहीं कर पाएंगे। और मैं तो एक पागल हूँ। दूसरों की बात छोड़िए, लड़कों को मैंने कितनी बार कहा कि उन लोगों की बात सुनकर स्कूल मत छोड़ना। तुम लोगों को जो लोभ दिखा रहा है वो मछली पकड़ने के लिए जैसा जाल फेंकना होता है वैसा ही है, और कुछ नहीं। स्वार्थ सिद्ध होते ही तुम लोगों को भी गणेश की तरह इधर उधर बैठकर समय बिताना पड़ेगा। सुना, किसी ने तो मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं एक पागल हूँ। प्लीज सिर्फ ये सब बात दोबारा मत कहना, तुम्हें बुरा नहीं लगता? पहले दिन लोगों ने जब मुझे पागल कहा था तब लगा था, लेकिन आजकल नहीं लगता, क्योंकि ऐसे समाज में स्वस्थ होकर जीने से अच्छा है पागल होकर जीना। अरे दोस्तों, तुम लोग को पता है वो जो रिचर्ड्स के लिए लड़की आई है ना, क्या पकाती है यार। साफ सुथरा कैसे रहना चाहिए, कहाँ का पानी कैसे पीना चाहिए, स्वस्थ ही मनुष्य की मुख्य संपत्ति है। अरे ये सब बातें करके ऐसे ही पका रहती है यार। सुना है उसके पास कुछ काम ही नहीं है, काम करने के लिए यहाँ आई है। और पता है स्कूल नहीं जाने वाले लड़का लड़कियों के घर भी जाती है। क्या होगा, दो दिन बातें करेगी फिर चली जाएगी, लोग क्या उसके हिसाब से चलेंगे? ऐसा क्यों कह रहा है, हमारे अच्छे के लिए कोई चिंता करे, कुछ अच्छा सोचे तो हम लोगों को खुशी होनी चाहिए। ये लो, ये भी साला सिव भी निकला। क्यों, सिव उसका बॉडीगार्ड बनकर नहीं घूम रहा है? तुम मतलब अच्छी बातें सोच ही नहीं सकते, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण विश्वजीत जैसे लोगों को मौका मिल रहा है। क्यों, हमने क्या किया? देखो तो, ठीक है भाई, उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो क्या कहना चाहती है सुनने में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या कहना चाहती हो, यहाँ नहीं कह सकती? कह सकती हो, पर हम लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर ये बात करें तो अच्छा होगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो जरूर आऊंगा। आओगे ना? हाँ, लेकिन बात अच्छी नहीं लगी तो मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। अच्छा ठीक है, अब चलो। लोगो, यहाँ मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ एक ही है, जहाँ मेरा भविष्य बनाने आई हूँ उन लोगों को कुछ दे के जाओ। एक बात सोच कर देखिए, मैं तो यहाँ कुछ दिन रहूंगी, काम खत्म होगा और मैं चली जाऊंगी। आप लोग स्वस्थ पानी पिए, शौचालय का इस्तेमाल करके बीमारियां और लज्जा से दूर रहे। आपके बेटे बेटी स्कूल में पढ़कर ज्ञान अर्जन कर शिक्षित होकर जिंदा रहे, ये सोचने के लिए क्या मुझे कोई जरूरत? बता देते हैं, अरे सुनो, अभी अभी एमएलए साहब का फोन आया था। हाँ देखो, उनकी आशा के मुताबिक लोग होना चाहिए, नहीं जितने ज्यादा लोग होंगे मीटिंग में उतना ही हमारे लिए अच्छा है। देखो हमने तो वादा किया है, तुमको अभी वादा निभाना है, समझो? हाँ बात ध्यान से सुनो। हाँ बिल्कुल, हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, पूरा लोग एकदम खचाखच भरा दो मीटिंग में, ठीक है? ओके, रखते हैं।
कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वो ठीक ही बोल रही थी यार, पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा। खुद को समझने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान होने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की इसलिए हमें ज्ञान नहीं, इसलिए हम खुद को साफ सुथरा करके रखना नहीं जानते, रहना नहीं जानते, खाना नहीं जानते। अरे हमारे और जानवरों के बीच अंतर क्या है यार? सच में बात को जितना सोचता हूँ खुद को जानवर जैसा महसूस होता है। अब क्या होगा, वैसे हम लोग ऐसे तो नहीं रह सकते, लड़ाई करनी पड़ेगी। किसके साथ? पहले खुद के साथ, उसके बाद उन लोगों के साथ जिसने हमें जानवर बनाया। वो कैसे? अरे ऐसे वो लोग कैसे कर सकते यार, हमने उसे सुविधा दी तभी ना। खबरदार, मीटिंग में लेकिन कोई नहीं जाएगा। क्या कर रहे हैं? नहीं ऐसे ही किताब देख रही थी, बैठो। सुबह ही आने का सोचा था, आपको दिक्कत होगा इसलिए नहीं आया। क्या दिक्कत? सुबह के टाइम आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं क्या? ओ, ये बात। अच्छा मेरे लिए क्या लाए हो? आप खुद देख लीजिए। हरि शिव, इतने पुराने किताबें कहाँ से इकट्ठा की? कर लिया, आपके काम आने से अच्छा लगेगा। आएगी, क्यों नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ के मैं तुमको समझा दूंगी। मुझे नहीं समझाने से भी होगा, बस आपका काम आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। जादू के ऊपर रिसर्च के लिए पहले भी बहुत से लोग आए थे और चले गए। उन लोगों को क्या फायदा हुआ मुझे नहीं पता, हमारे लेकिन उन लोगों से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और मुझसे? उन लोगों की तरह आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमारे लिए भी सोच रहे हैं, इसलिए आपकी सहायता करने में मुझे अच्छा लगेगा। ये सच है कि मैंने आपको पहले आसानी से नहीं लिया था। हो, इसलिए तुम मुझे चुप चुप कर देख रहे थे। आखिर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं भी तुम पर भरोसा करके एक बात कहती हूँ, तुम अगर सावधान रहोगे तो अच्छा रहेगा। जब तक लोग नहीं बदलते, तुमको जो लोग जानते हैं ना वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सार लोग भी। और आप? शिव। ओए, मेरे मुंह के आगे बाइक क्यों रोकी है? हो क्या गया है तुम लोगों को? हमें क्या हुआ और क्या रख लिया तुमने? क्यों, गांव में एक इतनी बड़ी मीटिंग होगी, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता? मीटिंग से हमें क्या मिलेगा, आज तक कुछ मिला है हमें? क्या तुम लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ? अरे विश्वजीत भैया ने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम लोगों को कुछ नहीं मिला बोलते हुए शर्म नहीं आता तुम लोगों को? ओए शर्म की बात है तू मत कर, ए उंगली नीचे कर। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? तुम्हारे विश्वजीत भैया ने हमें खत्म कर दिया। क्या क्या बोला था उसने, कॉन्ट्रैक्ट देगा, हाईवे में ढाबा खोल देगा। कुछ मिला है हमें? 2 दिन 2 पैसे आते देखकर हमने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, ना कुछ काम है हमारे पास ना पढ़ाई, ऊपर से विश्वजीत भैया बोलते हमें क्या नहीं मिला। देख भाई इतना भावुक मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा, बोल देना अपने विश्वजीत भैया को हमारे साथ जो हुआ हुआ, अगर इसके बाद हमारे गाँव के काम में कुछ बाधा आई तो वोट तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर से उसे गाँव से ही भागना पड़ेगा। रहने दे यार, इन लोगों से बात करने से कुछ फायदा नहीं, चल। जो हो गया वो छोड़िए, अब जो है वो तो हम ठीक कर सकते हैं ना। इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूँगा? आपको ये सारे काम अकेले करने के लिए किसने कहा है? पहले आप अपने घर के बारे में सोचिए। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? घर के पीछे एक तालाब है वहीं से पीते हैं। सरकार ने पानी का टैप लगाया
पर आज तक पानी नहीं आया। सरकार की टैप से पानी नहीं निकलता, ठीक है, पर आप लोग खुद तालाब का पानी पीने के लायक बना नहीं सकते हैं क्या? ठीक ही तो है। बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग की तालाब में बेड़ा है? नहीं। महीने में एक बार फिटकरी क्लोरीन डालकर तालाब को साफ करते हो ना? ये सब देने की क्या जरूरत है, हमारे तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। पीने से पहले पानी को फिल्टर करके ठीक तरह उबालते हो ना? लकड़ी कहाँ मिलती है आजकल, चावल सब्जी बनाना ही मुश्किल है, पानी उबालने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगी? और फिल्टर की बात कहती हो, फिल्टर क्या कम पैसों में आता है? देखिए, बहुत सारे युक्ति देकर आप अपने गलतियों से छुटकारा पाना चाहते हो, इन सब में आपकी गलती है। उस लड़की ने गांव वालों को ऐसी कौन सी खुट्टी पिला दी, सबका सब दिमाग घूम गया। उसके अंदर जरूर कोई बात है। ए, निकालो निकालो, अंदर की बात क्या है निकालो, मुझे बस मीटिंग में आदमी चाहिए, आदमी समझे, जाओ। आपकी बात सुना, आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। आप बहुत दिनों से नहीं आए हैं क्या? आया नहीं था, ये कहने से दुख मुझे ही होगा। देखिए, यहाँ आकर बैठने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है, और आप लोग ही बताइए, यहाँ रास्ते के बीच में रोगी देखूं या पर्ची देखूं? ये बात विभाग या सरकार को नहीं बताया? बहुत बार बताया था, और इसके लिए बहुत सारे रुपए भी सैंक्शन हुए थे, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला कि काम क्यों नहीं हो रहा है। इस बार होगा, इस बार ये काम होना ही होगा। शिव, एनीवे, आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। दरअसल यहाँ के लोगों को किस तरह की बीमारियाँ होते हैं? ज्यादातर पानी से होने वाली बीमारियाँ ही होती है, इधर उधर का पानी पी लेते हैं और फिल्टर भी नहीं करते हैं ये लोग, इसीलिए पेट का दर्द, जॉन्डिस, डिसेंट्री, ये सब होता ही रहता है, और कोलेरा भी दो बार मिला है यहाँ पे। घर में शौचालय बाथरूम की सुविधा है नहीं, इसीलिए ये लोग जहाँ तहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं, इसीलिए आए दिन तो नई नई बीमारियाँ लगती रहती है, सर्दी, जुकाम, खुजली, चर्म की बीमारियाँ, ये सब इन लोगों की आम बीमारियाँ हैं। थैंक यू डॉक्टर, ये सब जानने का मुझे बहुत ज़रूरत थी। हाँ, आपको शायद देर हो रहा है, समय आने पर मदद चाहूँगी। श्योर श्योर, आई एम ऑलवेज विद यू। पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। अरे कल मंत्री जी आ रहे हैं, सुनते हो? अरे भैया, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, कल मंत्री जी आ रहे हैं। मंत्री आए या मेरे आए, इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भैया। अरे भाई, वो आते किसके लिए, हमारे लिए ही ना। नमस्ते चाची जी। नमस्ते चाची जी, आप कल मीटिंग में आ रही हो ना? मैं मीटिंग में जा नहीं पाऊंगी। क्यों? अरे मीटिंग के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। गांव में जिन लोगों का शौचालय नहीं है, उन लोगों का ब्लॉक में एक लिस्ट बना रहा है, वही नाम लिखवाने के लिए जा रही हूँ। विश्वजीत ने तो आज तक गांव वाले को कुछ नहीं दिया, आते समय थोड़ा सा पतास और फिटकरी लेके आऊंगी। गाँव में बीमारी फैली है ना, हमें कब क्या होगा किससे पता। अरे चाची जी सुनिए तो। अरे सुनिए तो चाची। लोगों को क्या हो गया है, गांव में इतनी बड़ी एक मीटिंग हो रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। चल बैठ, देखते हैं। अब बात समझ में आई मुझे। मेरी समझ में आ गई बात, ठीक ही समझा था मैंने। उसी लड़की का सब कुछ किया धरा है, उसी ने गांव वालों को उकसाया है। क्या कर रहे थे तुम लोग? हैं क्या कर रहे थे? एक लड़की बाहर से आती है और मेरे खिलाफ बरगलाती है, मुझे मुसीबत में धकेलती है,
क्या मैं चुपचाप बैठा रहूं? छोड़ूंगा नहीं उसे, सबक सिखाना पड़ेगा उसे। सिर्फ उसे ही नहीं, उस मास्टर को भी सबक सिखाना पड़ेगा। एक घंटे के अंदर वो लड़की गांव में नहीं होना चाहिए। बस अगर तुम लोगों से नहीं होता है ना, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा दोनों को। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। ये तू क्या इधर का चौकीदार है क्या? मैं पागल हूँ। बात का जवाब बात से देना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों को जाने के लिए कहा है, चले जाओ। तेरी तो नहीं जाएंगे, क्या कर लेगा रे तू? देखना चाहता है ना मैं क्या कर लूंगा? हाँ? ये क्या दिखाएगा तू? हाँ? ए, पागल मुंह मत रख। ये छोड़ रविंदर, मुझे छोड़ छोड़। तू जानता नहीं है तू किसके साथ मंगा लिया। छोड़ूंगा नहीं तुझे पागल, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बस अब देखना देखना तू पागल है या नहीं। रुक, बना के छोड़ूंगा। देख क्या करता हूँ। मुझे पागल कहते हो? हाँ, अरे तुम लोगों ने आज तक मेरा पागलपन देखा ही नहीं। अरे ले गया ले गया, दोनों को एक साथ ले गया। अरे दो सीधा में एक साथ कैसे जलाऊं? अरे कोई तो आओ मदद करो, मेरी मदद करो। तुम किसके सामने खड़ी होकर बात कर रही हो, पता है भी या नहीं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपको बिना जाने ही आपके साथ बातें कर रही हूँ। फिर भी आप जानना चाहते हैं आप कौन हैं? तो सुनिए। ए बस करो, जब से आई हो बोली जा रही हो, बोली जा रही हो। तुम रिसर्च के काम के लिए आई हो, रिसर्च करो, अपना काम करो, निकालो। मैं तो जो करने आई थी वही कर रही हूँ। अच्छा, क्या काम कर रही हो? हाँ, क्या काम कर रही हो? हमारे गांव में क्या कुछ हो रहा है छानबीन करने का ठेका ले रखा है क्या? इसे छानबीन करना नहीं कहता है। हाँ, अगर कोई मुझे बैठने के लिए जगह दिखाता है, अगर वो जगह गंदगी भरी हो तो मैं उसे साफ कर ही लेती हूँ। अगर गंदगी दिखाई देती है तो मत बैठना। तुम्हें कोई बैठने के लिए जबरदस्ती कर रहा है क्या? है? मुझे बैठने की जरूरत हुई है। और आपका ये सोचना भी गलत होगा कि युक्ति दिखाकर बातें करने से मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी, लेकिन आपकी मन की गंदगी को साफ करने के बाद। साफ रहना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। देखो तुम एक बार सोच कर देखिए, आपके घर के अंदर आपको मेरी जैसी लड़की ने ऐसा बातें करने के लिए साहस की है। क्यों? मुझे मालूम है आपको अभी मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलने का मन कर रहा है, फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हैं आप गलत कर रहे हैं। आपको एक बात कहती हूँ, आप जानते हैं कितना विश्वास और आस्था से लोगों ने आपको प्रतिनिधि बनाया है। अगर वो लोग समय पर आपको धोखा देता तो आज क्या आप इस कुर्सी पर होते? मुझे लगता है आप ये कुर्सी सिर्फ एक बार ही पाना चाहते हैं, है ना? नहीं, आप ये कुर्सी बार बार पाना चाहते हो। इस कुर्सी को बार बार पाने के लिए आपको लोगों का आवश्यकता है। आप लोगों को मनुष्य जैसा जीने दीजिए। जनता के बिना क्या कोई राजा हो सकता है? कल नामघर के मैदान में एक मीटिंग रखी है, अगर आपको अपने गांव से प्यार है तो जरूर आइएगा। मैं चलती हूँ। हम अपना सर्वनाश खुद ही नहीं करेंगे, इसका प्रमाण इन दिनों में ही मैंने देखा है। हमने अपने ही चार आदमियों को खो दिया। एक बार सरकार के बारे में सोच कर देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आर्थिक सुरक्षा, ये
नहीं दिया हमारे सरकार ने। आप लोग एक बार सोच कर देखिए, सिर्फ हमारे जागरूकता के अभाव में सरकार ने खुले हाथे दिए हुए सुविधा को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। एक बार अपने आप से पूछ कर देखिए, हम ये सुविधा लेकर खुद को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ है दुर्बलता और कौन ये दुर्बलता की फायदा उठा रहा है? नमस्ते भाइयों और बहनों, आप लोगों के सामने ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ कहने का हक खो दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जो गलती मुझसे हुई है आप लोग माफ कर देंगे, और मैं आज खुले दिल से आप लोगों के सामने आया हूं और वादा करता हूं कि दोबारा आप लोगों का विश्वास टूटने नहीं दूंगा, और आप लोगों के विश्वास को साथ में लेकर के मैं अपना काम करूंगा। इस बार आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, आप लोग मुझे माफ कर दे यही मैं चाहता हूं। और आज से एक नई विप्लव की शुरुआत हुई है, और यह शुरुआत है स्वच्छ भारत की, स्वच्छ अभियान की, स्वच्छ विप्लव की। धन्यवाद। आखिर अपने गलतियां जो मान लिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि तुमने एक नए विश्वजीत को जन्म दिया है और समाज के साथ रहने का, काम करने का मौका दिया है। मोस्ट वेलकम। भाइयों और बहनों, आई थी मायंक की जादू का रिसर्च के लिए, और जा रही हूँ आप सबकी यादें दिल में लेकर। अगर आप लोगों को मैं भी याद रहूंगी तो अच्छा लगेगा। आइए हम लोग एक साथ ही कहते हैं, स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। जीवन